नमस्कार दोस्तों, बुढ़ानिया ये इसके बी प्लस टीवी कार्यक्रम में स्वागत है। मैं अमित बुढ़ानिया आपके साथ विशेष चर्चा में जुड़ा हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोगों को आपकी परीक्षा हेतु, आईएएस और आरएएस हेतु महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं करनी है। हम लोग सामान्य जानकारी के साथ साथ हमारी सिलेबस के अनुसार इनमें क्या महत्वपूर्ण पहलू होता है और क्या हमें दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, नियमित रूप से सोमवार से शुक्रवार इन मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं। आज की विशेष चर्चा का जो मुद्दा है वो G7 और भारत है। G7 विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक गुट है। इस G7 का उदय सन 1970 के दशक में हुआ और इसका उदय होने का मूल कारण था वैश्विक मंदी। उस दौरान फ्रांस की अगुवाही में विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने और विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने एकजुट होकर एक गुट बनाया जिसका नाम है G7। उस दौरान विश्व 3 भागों में बटा हुआ था। एक प्रथम विश्व के नाम से जो विश्व के विकासशील राष्ट्र थे उन्हीं में से चुनिंदा नाम को मिलाकर G7 नामक गुट को बनाया गया। उसके साथ साथ एक दूसरा विश्व था जो सोवियत संघ और साम्यवादियों के द्वारा संचालित था और एक तीसरा विश्व था जो भारत जैसे अनडेवलप्ड कंट्रीज का था, अविकसित राष्ट्रों का था। लेकिन आज के समीकरण में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब ऐसे संगठनों का निर्माण किया गया था तब भारत जैसा राष्ट्र चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन आज संपूर्ण विश्व में हाल ही के सम्मेलन में ये जो 45वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ G7 का, इसमें प्रमुख मुद्दा और जो केंद्र का बिंदु था वो भारत था, क्योंकि भारत इसका सदस्य नहीं है परंतु इसके बावजूद एक विशेष अतिथि के तौर पर भारत को बुलाया गया। जब हम लोग G7 की बात करेंगे तो हाल ही में ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसका 45वां सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ, भारत अतिथि राष्ट्र के तौर पर उभरा। G7 का तात्पर्य है विश्व के 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। जब हम इन राष्ट्रों की बात करेंगे, साथ में जर्मनी, जब इन राष्ट्रों की बात करेंगे तो विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन सभी राष्ट्रों के पास संसाधन अधिक हैं, तकनीकी अधिक हैं और इनके पास पैसा बहुत है, विश्व में इनका वर्चस्व रहा है। परंतु धीरे धीरे इन राष्ट्रों का वर्चस्व कम होता जा रहा है। कारण है कि विश्व में दूसरे विश्व और तीसरे विश्व के राष्ट्र जो उस दौरान विकसित हुए थे अब वो अधिक प्रगति से आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में जब भारत के दृष्टिकोण की बात करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। विशेषज्ञों का मानना है कि G7 में भारत को उस समय बुलाया गया जब भारत को सबसे अधिक वैश्विक समर्थन की आवश्यकता थी, क्योंकि देश की सरकार ने अनुच्छेद 370 को लेकर एक कठोर निर्णय लिया। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वैश्विक समर्थन मिलना बेहद जरूरी था, क्योंकि कश्मीर सदैव वैश्विक मुद्दा रहा है और हर राष्ट्र की नज़र इस मुद्दे पर अपने हितों को पूरा करने के लिए रही है। भारत इस नीति में बहुत अधिक सफल हुआ। जब G7 की 45वें शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो इसका जो प्रमुख विषय था वो विश्व में असमानता के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए था। यानी 7 राष्ट्रों ने विश्व में जो इनइक्वलिटी बढ़ रही है सामाजिक और आर्थिक तौर पर, उस असमानता को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ संयुक्त प्रयास करने का वादा किया। इसके साथ साथ जो दूसरा प्रमुख मुद्दा था वो था ईरान के परमाणु निशस्त्रीकरण को रोकना। जब इन दो मुद्दों की बात करेंगे तो इनके साथ साथ तीसरा जो यहाँ चर्चा का विषय रहा कि भारत जैसे राष्ट्र को जो G7 का सदस्य नहीं है परंतु उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व में एक बहुत बड़ा वर्चस्व कायम कर चुकी है, उसे विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने 2 सत्रों को संबोधन दिया। इन 2 सत्रों के दौरान भारत ने समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा की। भारत वर्तमान के दौर में समुद्री चुनौतियों से गुजर रहा है। भारत अरब सागर, हिंद महासागर के क्षेत्रों से घिरा हुआ है जहां से विश्व का सबसे अधिक व्यापार गुजरता है। परिणाम स्वरूप बढ़ रहा समुद्री लूटपाट, बढ़ रही समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर वैश्विक सहयोग का बात कही और प्रधानमंत्री ने संपूर्ण विश्व में इन मुद्दों को गंभीरता से लेने की बात कही। पर इनसे कई गुना भारत के लिए सामरिक महत्व रखता था, क्योंकि भारत ने इस G7 के सम्मेलन के दौरान 2 राष्ट्रों के साथ प्रमुख द्विपक्षीय वार्ता की, जिनमें एक फ्रांस था और दूसरा अमेरिका। फ्रांस के साथ की गई वार्ता के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने संपूर्ण मीडिया को और संपूर्ण विश्व को एक संदेश दिया कि अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मुद्दा है, फ्रांस जैसा राष्ट्र इस मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत की विदेश नीति की कूटनीतिक जीत है, जिससे हमने पाकिस्तान को वैश्विक मंच से बाहर कर दिया है और इस मुद्दे पर अपने आप को आंतरिक तौर पर मजबूत करने में सक्षम रहे हैं। केवल फ्रांस ही नहीं, वह अमेरिका जिसने चंद दिनों पहले कश्मीर के मुद्दे में हस्तक्षेप करने का वादा किया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से, उस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी घोषणा की है कि कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे की आवश्यकता नहीं है। वहीं भारत ने कड़े संदेशों में घोषणा की है कि किसी भी तीसरे व्यक्ति को हम लोग कश्मीर के मुद्दे पर कष्ट नहीं देंगे। कूटनीतिक तौर पर देखा जाता है कि अमेरिका का अपने वादे से मुकरना इनकी सामरिक शक्ति का कमजोर होना दर्शाता है और भारत की शक्ति का बढ़ना दर्शाता है। इसलिए ये G7 का जो बैठक था, ये भारत के लिए अति उपयोगी बैठक थी। पर हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि G7 की वर्तमान विश्व में प्रासंगिकता क्या है, भारत को इस मीटिंग में जाने का क्या लाभ मिला और किस तरीके से उन 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने विश्व के बहुत से बड़े अन्य राष्ट्रों को नजरअंदाज करकर भारत जैसे राष्ट्र को विशेष अतिथि के तौर पर उभारा, वर्तमान क्या दौर चल रहा है, क्यों ईरान को एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया है, एक खास रिपोर्ट पर हम लोग नजर डालते हैं। जब G7 की बात करेंगे तो G7 विश्व की 40% GDP पर नियंत्रण रखता है, लेकिन जब से ब्रिक्स जैसा सिद्धांत विकसित हुआ है, जिनको हम बिग फोर के कॉन्सेप्ट से डेवलप हुए थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका, जब इन 5 नामों की मैं बात करूं तो ये 5ों ही नाम G7 के भाग नहीं है। ऐसे में विश्व में वर्तमान में इन्हीं का आर्थिक वर्चस्व है और ये 5 राष्ट्र 2050 तक अनुमान है कि G20 के 5 राष्ट्र G7 के सभी राष्ट्रों को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे, उनसे आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। यानी G20 अधिक प्रभावीशील होगा G7 की तुलना में। एक तरफ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि G7 के विफल होने का एक मूल कारण है कि G7 में खुद अपने आप में आपसी मतभेद बहुत ज्यादा है। इस संगठन का मूल उद्देश्य था कि 1970 के दशक में आई मंदी के साथ साथ तेल के दाम बढ़ने के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, सामरिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर और सुरक्षा के मुद्दों पर ये 7 राष्ट्र एकजुट होकर संपूर्ण विश्व का संचालन करना चाहते थे और इन्होंने कुछ समय तक विश्व को अपने नियमों के अनुसार संचालित करने का प्रयास भी किया। जब भी कोई वैश्विक स्तर पर किसी राष्ट्र को विश्व संचालन करने का मौका मिलता है तो वह केवल निजी स्वार्थ को लागू करता है या निजी हितों को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक नियमों का निर्माण करता है। विशेषज्ञों का मानना है यह प्रचलन कभी भी वैश्विक विकास के लिए हित में नहीं होता और किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का दीर्घकालीन समय का सिद्धांत नहीं हो सकता। परंतु इन 7 राष्ट्रों ने अमेरिका जैसे राष्ट्रों की अध्यक्षता में केवल विश्व में अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए, अपने हितों को सुनिश्चित करने के लिए अपने नियमों को वैश्विक स्तर पर थोपना शुरू किया। और आज यही कारण है जब इन 7 G7 राष्ट्रों का वर्चस्व समाप्त होने के नजदीक है या इनका आप कह सकते हैं कि शक्ति का स्थानांतरण हो रहा है, तब इन राष्ट्रों में आपसी फुट बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जब हम लोग बिग फोर ब्राजील की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तो विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान दौर में ये 7 बड़े राष्ट्र ब्राजील और इंडिया जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को नजरअंदाज कर किसी भी परिस्थिति में अपने विश्व में वर्चस्व कायम करने में सक्षम नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ संपूर्ण विश्व का भविष्य का निर्धारण बिना रूस और चीन को शामिल किए नहीं संभव है। ऐसे में G7 की उपयोगिता दिन प्रतिदिन गिर रही है और शायद यही कारण है कि इस G7 के हाल ही की हुई बैठक में भारत के अलावा अन्य किसी भी विषय को केंद्र बिंदु नहीं माना गया। एक फॉर्मेलिटी जो निरंतर होती है हर साल बैठक की, वो फॉर्मेलिटी की गई, लेकिन वैश्विक मुद्दों पर आपसी समझ नहीं थी। कुछ मुद्दे हैं जो विवाद के विषय रहे। हम पहले उन विवादों पर नजर डालते हैं कि फूट क्यों पड़ी है। सबसे पहले जब हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका और कनाडा आपसी सहयोग से अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन अमेरिका कनाडा और अमेरिका जापान के बीच में वर्तमान में व्यापार विवाद चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रही है। ऐसे में दो सहयोगी आपस में, जिन्होंने परस्पर एक दूसरे के सहयोग से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, आज यही दोनों आपस में टकराव के मुद्दे पर हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन संघ और अमेरिका के बीच में नाटो के मुद्दे को लेकर मतभेद है, नाटो की सेनाओं को लेकर मतभेद है। और वहीं तीसरी तरफ यूरोपियन संघ में खुद आपसी फुटफेट है। जब ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन अलग होना चाहता है और यूरोपियन यूनियन में फ्रांस, जर्मनी सब अलग अलग विकास करने की रणनीति पर हैं। ऐसे में इस संगठन के वर्तमान में राजनीतिक तौर पर, दिखावे के तौर पर एकजुटता है, लेकिन सामरिक और आर्थिक तौर पर एकजुटता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ दशकों पहले हमेशा G7 और यूरोपियन संघ सामूहिक रूप से व्यापार करता था,
लेकिन अब केवल ये अपने हितों के लिए बात करते हैं। वर्तमान में सभी राष्ट्र फ्री ट्रेड के समर्थक हैं, लेकिन इसका मूल कारण है सबकी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं। सबको अपने आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए ये एकता अब विषमता में तब्दील होना शुरू हो चुकी है। शायद यही कारण है कि रूस चीन जैसे प्रभावीशील राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है। जब हम इन सभी मुद्दों की चर्चाएं करेंगे तो अब हमें एक एनालिसिस करना है कि G7 में भारत को क्या लाभ है, G7 की फूट का दुनिया को क्या लाभ है, और इसके साथ साथ जब हम दुनिया के वर्तमान प्रचलन की बात करेंगे तो इसकी क्या उपयोगिता। मैं एक एक पहलू पर आता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग G7 के टूटने की या G7 की प्रासंगिकता कम होने का लाभ की बात करें तो इसका सबसे अधिक लाभ ब्रिक्स जैसे संगठन को है, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना जैसे राष्ट्र प्रमुख है। ऐसे में भारत जैसे राष्ट्र को निमंत्रण देकर जब G7 राष्ट्रों की बात करेंगे तो G7 राष्ट्र भारत जैसे राष्ट्र को निमंत्रण देने के पीछे अपने आप का मूल भाग जो मानते हैं वो इस ब्रिक्स की प्रासंगिकता को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान में ब्रिक्स में सबसे अधिक प्रभावीशील राष्ट्र के तौर पे यदि कोई उभर रहा है तो भारत है। चाइना के साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है, रूस के यूक्रेन के मुद्दों पर मतभेद है, इसके साथ साथ ईरान के परमाणु शक्ति को लेकर चाइना और रूस का दृष्टिकोण अलग है, वहीं फ्रांस जर्मनी के मुद्दे अलग हो चुके हैं। ऐसे में भारत जैसे राष्ट्र को जो ब्रिक्स का वर्तमान में नेतृत्व कर रहा है और भारत की वर्तमान सरकार जो एकजुटता दिखा रही है वैश्विक मंच पर, इस एकजुटता के डर से G7 जैसे राष्ट्र भारत को अपनी तरफ खींचकर इस ब्रिक्स जैसे संगठन की प्रासंगिकता को कमजोर करना चाहते हैं। हालांकि भारत ने एक संतुलन की नीति अपनाई, देश के प्रधानमंत्री ने ना ईरान के मुद्दे पर किसी तरीके की टिप्पणी की, ना ही यूक्रेन के मुद्दे पर किसी तरीके की टिप्पणी की, और ना ही द्विपक्षीय वार्ता में एक दूसरे के विरोध की किसी भी मुद्दे की चर्चा की। यहाँ तक कि भारत जैसे राष्ट्र ने इस G7 जैसी बड़े मंच पर उस संकट के दौर में, उस राजनीतिक समीकरण के दौर में कश्मीर जैसे मुद्दे पर भी चर्चा नहीं की। ये साबित करती है कि हमारे प्रधानमंत्री और विदेश नीति इतनी मजबूत है कि हम लोग कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी रूप से किसी भी शक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं है, और हमारा स्पष्ट कड़ा संदेश है कि हम लोग द्विपक्षीय वार्ता पर ही इस मुद्दे का समाधान कर सकते हैं, वैश्विक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि विश्व के सभी राष्ट्र अपने हित देख रहे हैं। फ्रांस जैसा राष्ट्र भारत की अगवानी इसलिए कर रहा है कि फ्रांस के पास वर्तमान में तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और फ्रांस को अपनी तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र के बाजार को ढूंढने के लिए भारत जैसे राष्ट्र के सहयोग की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जब जर्मनी की बात करेंगे तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की मध्यस्थताओं के बीच में सबसे अधिक जो पिछड़ चुका है वो जर्मनी है, वो चाहता है कि नया बाजार विकसित करूँ। भारत जैसे राष्ट्रों के साथ जर्मनी का हमेशा, जब एशियन कंट्रीज के प्रति हम रवैया देखेंगे तो सॉफ्ट नेचर रहा है। लेकिन इस मतभेद का एक मूल कारण है कि हालांकि ट्रंप ने इस G7 की बैठक के दौरान एक नरम रवैया दिखाया, उस नरम रवैये में एक मुद्दा था कि ईरान के साथ वो वार्ता करने को तैयार है लेकिन वर्तमान में वार्ता करने को तैयार नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ईरान का मुद्दा ही था। ईरान 2014 में P5+1 समझौता कर चुका है। उस समझौते के अनुसार 5 महाशक्तियां और जर्मनी ने मिलकर ईरान से वादा किया था कि हम लोग उसके खिलाफ आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे, आर्थिक प्रतिबंध हटा देंगे, बदले में ईरान परमाणु कार्यक्रम हटा देगा। लेकिन जैसे ही ये समझौता करवाया गया था, इस समझौते में अधिक मध्यस्थता यूरोपियन संघ की थी, और यूरोपियन संघ इस मुद्दे पर मध्यस्थता इसलिए कर रहा था कि वो मिडिल ईस्ट एशिया में अपना एक बहुत बड़ा व्यापार का क्षेत्र ढूंढ रहा था, और इसका फायदा भी हुआ। नवंबर 2014 के बाद 2015-16-17 तक निरंतर जर्मनी, फ्रांस जैसे राष्ट्रों ने मध्य एशियाई राष्ट्रों के अंदर अपना एक बहुत बड़ा बाजार विकसित किया। इससे इजराइल और सऊदी और अरब के सभी राष्ट्र जो बड़ी शक्तियां हैं वो नाराज हुई, और परिणाम स्वरूप वो अमेरिका के दोस्त थे। इसी का प्रभाव अमेरिका पर पड़ा और अमेरिका ने इस ईरान के साथ किए गए समझौते को तोड़ दिया। नाराज होकर ईरान जैसे राष्ट्र ने इस समझौते के तोड़ने के बाद परमाणु कार्यक्रम को पुनः बढ़ाना शुरू कर दिया। यही भारत के लिए एक संकट का विषय था कि किस तरीके से इन तीन गुटों के साथ संतुलन किया जाए, क्योंकि ईरान के परमाणु दृष्टिकोण को लेकर विश्व में 3 गुट बन चुके हैं। एक गुट फ्रांस जर्मनी के सॉफ्ट नेचर का है, दूसरी तरफ ईरान का खुद का व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, और तीसरी तरफ अमेरिका और अरब के राष्ट्रों के साथ साथ इजराइल का गुट है। भारत के सभी के साथ सामरिक हित बहुत बेहतर है। किसी भी विदेश नीति की
अगर बेहतरी की हम लोग बात करें तो संतुलन की नीति ही सबसे बेहतर नीति होती है, और भारत ने इस मुद्दे पर अपने आप को दूर रखकर उस संतुलन की नीति को बरकरार रखा। हालांकि अमेरिका का गुट नरम पड़ चुका है, ट्रंप ने ये बात जरूर कही है कि हम लोग जल्द ईरान के राष्ट्रपति से बात करेंगे, परंतु अभी वर्तमान सही समय नहीं है बात करने का। हम कह सकते हैं इसे कैरोट एंड स्टिक की पॉलिसी कि वो कूटनीति के साथ साथ कड़े तरीके से कठोर शक्ति का प्रयोग भी ईरान पर करना चाहते हैं। वहीं फ्रांस और जर्मनी इस मुद्दे पर अमेरिका से बेहद नाराज हैं कि जो वादा आपने नवंबर 2014 में किया था उस वादे को तोड़ने की वजह से इस मध्य एशिया के क्षेत्र में अस्थिरता है। वहीं रूस और चाइना जैसे राष्ट्र G7 की प्रासंगिकता को खत्म करने के साथ साथ फ्रांस जर्मनी अमेरिका जैसे राष्ट्रों के बीच में गुटीय विवाद को बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है कि चाइना जापान का कट्टर दुश्मन होने के बावजूद चाइना जापान से नज़दीकियां बढ़ाकर अमेरिका जापान की दूरियों का लाभ उठाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रूस फ्रांस और जर्मनी के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाकर अमेरिका जैसे राष्ट्र को यूरोपियन संघ से दूर करना चाहता है। जब हम सभी समीकरणों की बात करें तो भारत के लिए पहला महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि तत्कालीन समय में, मैं दीर्घकालीन समय का नहीं कह सकता हूं, लेकिन तत्कालीन समय में हमें सख्त जरूरत थी कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वैश्विक समर्थन मिले, और विश्व के 7 बड़े राष्ट्र यदि आपको एक मंच पर आपके बिना कहे ये कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं, ये मुद्दा आपका आंतरिक है, तो ये विश्व में हमारी सबसे बड़ी वैश्विक नीति की पटल की जीत है, और परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वैश्विक तौर पर पिछड़ चुका, और यही कारण है कश्मीर की लड़ाई हमने चंद सेकंडों में ही वैश्विक मंच पर तो जीत ली, अब हमारे लिए केवल घरेलू लड़ाई है कि किस प्रकार कश्मीर को स्थिर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स और G7, क्योंकि G7 जैसे राष्ट्र में शामिल होना अपने आप में एक वर्चस्व का चिन्ह है, इसे नकारना भारत के लिए वर्तमान परिस्थितियों में सही नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक चुनौती थी, वो चुनौती यह है कि ब्रिक्स जैसे राष्ट्रों में हम लोग प्रभावीशील राष्ट्र हैं और ब्रिक्स G7 को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। ऐसे में ब्रिक्स को नज़रअंदाज कर G7 में भाग लेना प्रमुख चुनौती थी, लेकिन भारत ने जैसे ही G7 की यात्रा की, इसके बाद रूस जैसे राष्ट्रों के साथ यात्राएं की हैं, वहाँ अपना समन्वय स्थापित किया है और संतुलन की नीति स्थापित की है। भारत ने दोनों अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास किया है। वहीं भारत ने मौके का लाभ उठाते हुए किसी दक्षिण एशिया या एशियाई राजनीति सामाजिक मुद्दे पर चर्चा नहीं की, केवल उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जिन मुद्दों पर यूरोपियन राष्ट्र और G7 की सभी 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एकजुटता है। पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा की गई, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा की गई, लेकिन कभी भी जब हम अन्य मुद्दों की बात करें ईरान के मुद्दे पर भारत ने किसी तरीके की टिप्पणी नहीं की। भारत ने कभी भी रूस चाइना जैसे मुद्दों को, यूक्रेन जैसे मुद्दों को नहीं उठाया जो भारत के लिए संतुलन की नीति है। वर्तमान दृष्टिकोण में इस सारी रिपोर्ट का एक ही निष्कर्ष है कि G7 की प्रासंगिकता कमजोर हो रही है, लेकिन भारत जैसे राष्ट्र के लिए इसका विशिष्ट अतिथि बनना हमारे सामरिक हितों के साथ साथ हमारी विदेश नीति की जीत है, इसलिए हमें इस मंच का सकारात्मक रूप से प्रयोग करना चाहिए। G7 विश्व की राजनीति में वर्तमान में अब कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रखता और आने वाले समय में इसका योगदान दिन प्रतिदिन कम होगा यदि कोई विशेष परिवर्तन नीतियों में नहीं होता है। भारत जैसे राष्ट्र के लिए जरूरी है कि अल्पकालीन हितों के लिए हमें कभी भी दीर्घकालीन हितों को नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे राष्ट्रों के साथ अपनी नज़दीकियों को बढ़ाने के लिए हमारे परंपरागत और वर्तमान तौर पर अति आवश्यक ईरान जैसे राष्ट्र को हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो घरेलू संगठन जिसके दम पर विश्व में हमारा वर्चस्व कायम हुआ है ब्रिक्स का, हम उसके संस्थापक राष्ट्र हैं, ऐसे में उस ब्रिक्स जैसे मंच को भारत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में नीति सामरिक और संतुलित है, लेकिन आगे इस नीति को बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। धन्यवाद।